जब भी आप VS Code को यूज़ कर रहे होते हैं, VS Code को यूज़ करने से पहले या किसी भी प्रोजेक्ट से पहले आपको मेन फोल्डर एक बनाना पड़ता है जिसमें आपने काम करना है, ठीक है। और वो मेन फोल्डर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स आप सेव करते जाएं और सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे सेव हों, एंड देन यू कैन यूटिलाइज एंड कनेक्ट VS Code टू दैट फोल्डर। उसको हम मेजर फोल्डर बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा फोल्डर या ऐसी डायरेक्टरी, फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोला जाता है, डायरेक्टरी या फोल्डर सेम चीज़ है। आप एक मेन फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर आप सारा पाइथन का काम रखेंगे, ठीक है। तो इस मेन फोल्डर का नाम, जो मैं लिटरली जब भी मैं पाइथन पे काम करता हूँ पाइथन का चिल्ला नाम रखता हूँ, तो हम भी पाइथन का चिल्ला उसका नाम रखेंगे और उसके अंदर अपने कोड्स सारे के सारे सेव करते जाएंगे। स्क्रीन ये आपके सामने आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैं इसको बंद करता हूँ VS Code को, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूं पाइथन का चिल्ला, ठीक है। इस फोल्डर का मैंने नाम रख दिया पाइथन का चिल्ला और यहां पे मैं सारा काम करूंगा पाइथन से रिलेटेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है, पूरे कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे ये मैंने कर लिया, मैं लेकिन क्या करता हूँ VS Code पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर सकता हूँ। बट अनदर थिंग इज, मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूँ तो आपको पता होगा स्टार्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होती हैं, ओपन इन न्यू विंडो, ओपन दिस फोल्डर इन दैट, ओपन दिस विद वन ड्राइव और सम अदर थिंग्स। तो मैं क्या करता हूँ VS Code में जाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। VS Code में जाने के बाद यहां से मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा, ये है वो ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जहां पे वो मेरा पाइथन का चिल्ले वाला फोल्डर है मैं इसे ओपन करता हूं, सिलेक्ट करता हूं एंड यहां से मैं इसे कहता हूं तो ट्रस्ट द ऑथर्स जो इस पीसी के हैं, यहां पे आ गया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरे पास अब वो फोल्डर मौजूद है जो मैंने बनाया है और यहाँ से आपके पास आउटलाइन भी है, टाइमलाइन भी है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन द सेम फोल्डर। अगर आप गौर करें तो एक्सप्लोरर के अंदर उसका नाम भी आ रहा है पाइथन का चिल्ला, ठीक है। अब आप कोई भी फाइल यहाँ पे बनाएं या कोई भी फाइल यहाँ से बनाएं फ्रॉम हियर, फोल्डर या फाइल, वो ऑटोमेटिकली सिंक होते जाएंगे, यानी कि ये वाला फोल्डर जो है नाउ इट्स द मेन फोल्डर फॉर माई पाइथन का चिल्ला या कोर्स जो हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी फोल्डर नया बनाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं इसे रखता हूँ 01, ठीक है। 01 रखने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है। जैसे मैंने इस फोल्डर को बनाया, यू विल सी यू हैव अ फोल्डर हियर एज वेल। अब क्या होगा, ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को या डायरेक्टरी के अंदर मैं बेसिक्स का काम करूंगा। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम रख देता हूँ 01, इसको मैं कह देता हूँ python.py फाइल। जब भी आप .py लिखेंगे यू विल सी अ काइंड ऑफ लिंक या आइकन हियर, दिस इज पाइथन, ठीक है। और .py का मतलब है कि ये वाली पाइथन की जो ये फाइल जो है ये पाइथन की एक्सटेंशन वाली है। अगर मैं कोई फाइल बना के लिखता 01 video.mp4 तो ये वीडियो की फाइल है, mp4 खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं एक और फाइल बनाऊं और उसको लिखूं 01 audio.mp3 तो ये मेरे पास ऑडियो की फाइल है। इसका मतलब है जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल की वजह से आपकी जो फाइनल एक्सटेंशन होती है वो उस फाइल की प्रॉपर्टीज को शो करती है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये अगर MP3 है तो ऑडियो है, MP4 है तो वीडियो है। अगर python.py की फाइल है तो इसका मतलब है कि ये पाइथन की फाइल है। सो एक्सटेंशंस जो होती हैं .mp4, .mp3, .jpeg, .png या अदर किस्म की एक्सटेंशंस वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती हैं व्हेनेवर यू आर लुकिंग इनटू द थिंग्स। आप में से कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी चैट के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो तस्वीरें होती हैं वो किस एक्सटेंशन वाली होती हैं, क्या एक्सटेंशन होती है तस्वीरों की? जी, तस्वीरों की क्या एक्सटेंशन होती है? .png या JPEG। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 01 image.png, ये भी एक एक्सटेंशन है PNG इमेज की, या मैं लिखूं यहां पे 01 image.jpg, ये भी एक एक्सटेंशन है इमेज की। अगर मैं लिखूं 01 _image जेपीईजी या जेपैग, ये भी एक एक्सटेंशन है। सो ये एक्सटेंशन जो है ये बेसिकली हर फाइल को डिफरेंट कर देती हैं और ये एक्सटेंशन ज़रूरी है जब भी आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो इसका मतलब है पाइथन की फाइल जो है वो यहाँ पे हमें पाइथन का कोड लिखेंगे तो पाइथन रन होगा, अगर कोई और फाइल है तो वो डिफरेंट फाइल्स होंगी। ऑफकोर्स ये सारी की सारी फाइलें खाली हैं तो इस वजह से हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फाइल्स जो हैं वो बन रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास फाइल होती है 01_data.xlsx, ये एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास ओपन हो गई है। तो एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, दीज आर सम काइंड ऑफ फाइल एक्सटेंशन। और फाइल एक्सटेंशंस बहुत ज़रूरी होती हैं व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। अब आपने देखा कि ये जैसे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ ये कोलैप्स या एक्सपेंड कर जाता है, और इस पर क्लिक करते हुए जैसे मैं फोल्डर बनाता हूँ वो इसी फोल्डर के अंदर बनता है, यानी कि एक्स्ट्रा फाइल्स। ये मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, आप देखेंगे कि जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं अदर देन पाइथन, मैं उन्हें उठा के ड्रैग करके एक्स्ट्रा फाइल्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ। एंड नाउ यू सी कि एक्स्ट्रा फाइल्स के अंदर ये सारी फाइल्स आ गई हैं, बट हमारी पाइथन की फाइल मेन फोल्डर के अंदर है। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस एनालॉजी। ये है जी पाइथन की फाइल और यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल सारी मैंने रख दी हैं जस्ट फॉर द सेक आपको समझाने के लिए, ठीक है। और अगर मैं इस फोल्डर पे क्लिक करके कोई फाइल बनाऊंगा वो इस फोल्डर के अंदर बनेगी, इस पे क्लिक करके बनाऊंगा तो इस फोल्डर के अंदर बनेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस जगह पे और कोई फाइल या फोल्डर बनाता हूँ लाइक 02, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल्स, तो वो फोल्डर या फाइल मेजर यानी कि मेन फोल्डर के अंदर बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपने फाइल बनानी है यू हैव टू क्लिक द रिस्पेक्टिव फोल्डर एंड देन यू हैव टू मेक अप दैट फाइल। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पाइथन की फाइल है और हम यहाँ पे पाइथन की फाइल को अब रन करना देखेंगे कि रन कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप लिखें प्रिंट लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखें आई एम लर्निंग कोडिंग विद पाइथन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिखा। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने ये पाइथन की फाइल को यहाँ पे लिखा, ठीक है, आई हैव अ काइंड ऑफ यू नो पाइथन इंस्टॉल्ड हियर। ये मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो ग्लोबल बेस पे है और ये मिनी कोंडा के अंदर हमने इंस्टॉल किया है पिछले लेक्चर के अंदर। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे, मैं ये ग्लोबल वाला यूज़ कर लेता हूँ या रिकमेंडेड वाला भी वो सेम ही है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके स्टोर फ्रंट वाला ये वाला यूज़ कर लूँ या मैं ग्लोबल यूज़ कर लूँ सो दैट्स फाइन, मिनी कोंडा वाला नहीं मैं कर रहा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मैं यहाँ से पाइथन फाइल को रन कर सकता हूँ, ठीक है, और रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल वो भी कर सकता हूँ, रन करंट फाइल इन इंटरैक्टिव विंडो वो भी कर सकता हूँ। देन देयर आर मैनी थिंग्स। मैं जैसे इसे रन करता हूँ यू विल सी कि ये फाइल जो है ये बेसिकली हमारे पास रन होगी, ठीक है, और ये यहाँ पे प्रिंट होके हमारे पास आ गया। अब अगर आप गौर करें ये जो हमारे पास हमने कोड लिखा है ये रन हुआ है हमारे पास इनसाइड गिट बैश जो हमने इंस्टॉल की थी। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास बेस यानी कि एक इन्वायरमेंट बना हुआ है। इन्वायरमेंट के बारे में भी हम सीखेंगे बट बिफोर दैट हमने कोई भी पाइथन यहाँ से सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट करने के बाद हमने जो भी यहाँ पे लिखा पाइथन का कोड उसे रन किया। सो यूजुअली इट हैपन्स लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे यूजुअली हेलो वर्ड से स्टार्ट किया जाता है लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको रन करता हूँ, ये पूरी फाइल रन करेगी। आप देखें पहले ये वाली प्रिंट की कमांड हमारे पास चली आई एम लर्निंग कोडिंग विद पाइथन, फिर बाद में चली हेलो वर्ड, और ये दोनों इकट्ठी चली हैं हमारे पास इस पाइथन की फाइल की वजह से। अगर यहाँ पे कुछ ना हो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+X कर देता हूँ, रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं है, तो खाली कोई भी आंसर नहीं आया, ठीक है, इस फाइल को रन करने के बाद। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये पाइथन की पहली फाइल आप इस तरीके से बना सकते हैं और इसे यहाँ से क्लिक करने के बाद आप रन कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन की फाइल कैसे बनती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है और पाइथन की ये वाली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से हेल्प आउट करती है, राइट। अगर आपको समझ आ गई देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट और देन वी विल मूव फॉरवर्ड।